Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. I'm sure आपने keyboard shortcut keys के ऊपर के videos कई देखे होंगे और आपने इसे अपने workplace में use भी किया होगा. पर जिस तरीके से हम कीबोर्ड में फैमिलियर हो चुके हैं, अगर आपको चाहिए ना कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स हमें कीबोर्ड शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए. तभी तो हम लोग की टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हम वीडियोस तो बहुत सारे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है. एक हफ्ते में आप 120 के ऊपर की स्पीड आपकी हो जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज पता ना हो. कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इतने डिफिकल्ट नहीं हमें याद रखना या उसे रिमेम्बर करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ को अगर जब आप याद रखते हैं ना, जब आप उसे याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करना होता है. अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि क्या आपको पता है डिलीट और बैक स्पेस इन दोनों का यूज़ क्या है? अब बहुत से लोग ये जरूर कि दोनों ही डिलीट का काम करते हैं, नहीं. बैक स्पेस जो होता है वो आपका पीछे से आपके किसी भी वर्ड सेंटेंस या वैल्यू को डिलीट करता है या कट करता है. और अगर बात करें डिलीट की, तो डिलीट जो एक ऐसा की है जो आपके फोल्डर फाइल इन सभी को एक क्लिक में डिलीट कर सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट आपको जब भी आप एक्सेल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो आपको ज़रूरी नहीं सम इफ मीन मैक्स एवरेज ये सब चीज़ें पता हो. ज़रूरी है कि आपको एक्सेल के बेसिक फंक्शंस भी पता होने चाहिए कि कौन सा की कब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. बिकॉज आई एम श्योर हम लोग हम छोटी छोटी चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये तो सेम. बट मुझे लगता है डिलीट और बैक स्पेस इसका ऐसा 5 यूजेस है जो आपको पता ही होने चाहिए. यस, हमने इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बताया और एक एक सेंटेंस में बताया है कि आपको ये कहाँ पे काम आते. आई एम श्योर आप इसे ज़रूर देखेंगे, सीखेंगे, और आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप ऐसे आईटी फील्ड के किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा की कब यूज़ करते हैं. मुझे लगता है डिलीट और बैक स्पेस, बिकॉज मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा तरीके से ये चीज़ की बैक स्पेस डिलीट इनका क्या यूज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग डिलीट और बैक स्पेस कहाँ पर यूज़ करते हैं. यस, ये छोटे कीज़ है पर बहुत यूज़फुल है, और हमने ऐसा 10 सेट बनाया है प्रैक्टिकल वीडियो का जो आपको सिंपल सिंपल कीज़ पर आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, सो दैट जब भी आप एक्सेल के लिए या फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आपके माइंड को एकदम अलर्ट होना चाहिए कि आपको यही आंसर देना है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. यस, प्रैक्टिकल वीडियो बहुत ही जल्दी इसका बनेगा, अभी बन नहीं चुका है, बट जितनी जल्दी ये आपके सामने आएगा, सो दैट आप इसी ईयर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाए, अपनी मदरवर्ल्ड के साथ अपनी एक्सेल को इन्हांस कर सके, अपनी प्रोफेशनली जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, जिन्हें भी आपको लगता है कि इन्हें उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके साथ आप इसे शेयर करिए. और जितना हो सके अगर आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो वीडियो की किस तरीके से कौन सी की, बिकॉज हम टाइपिंग करते समय क्या नीचे नहीं देखेंगे, बट जब हमें कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज पता होंगे, जब हम कीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, जब हमारा कीबोर्ड हमारा एक्चुअल फ्रेंड हो जाएगा ना, तब हमको टाइपिंग स्पीड ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं लगेंगी, बहुत छोटी लगेंगी. ये सब बहुत छोटे हैं, लेकिन ज़रूरी है हम उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, उससे अवेयर हो जाए. सबसे बड़ी बात हम उसके साथ अवेयर हो जाए. जैसे हम अवेयर हो जाएंगे, फिर तो हमारा कंप्यूटर हमारा फ्रेंड हो जाएगा. और इसी के लिए ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाया गया है, सो दैट आपको कंप्यूटर के हर कीज के बारे में पता हो. और मोर इंपॉर्टेंट, आप जाके उस वीडियो को देखिए. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मदर वर्ल्ड, सो दैट आपका एक्सेल स्किल जो है वो बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाए.